दोस्तों आज हम होममेड पावर बैंक बनाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इमरजेंसी में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यह आपको बहुत ही सरल तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों पावर बैंक बनाने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक है 3805 का ट्रांजिस्टर जो कि आपको नॉर्मली 5 या 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है ख़राब चार्जर की या डाटा केबल की एक आगे वाली पिन जो कि आपको किसी भी ख़राब डाटा केबल में मिल जाएगी। और दो आपको कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। कैपेसिटर की वैल्यू है यहाँ पर 10 वोल्ट 1000 UF। आप चाहें तो यहाँ पर 16 वोल्ट का भी ले सकते हैं और 470 UF भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10 वोल्ट से कम का मत लीजिए। साथ में 2 बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको नॉर्मली 10-20 रुपये में आपको मिल जाएगी। और दो आपको ख़राब बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी अगर है तो इसके लिए हमें सिर्फ हमें इसके जो ऊपर के पिन है वो कनेक्टर का काम करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको ऑप्शनल में रखूँगा। और यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप यहाँ पर कोई भी बैटरी यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सपोज 1 बैटरी का यूज़ मैं करूँगा तो ये 9 वोल्ट की है, तो यहाँ पर उस हिसाब से हम कैपेसिटर 10 वोल्ट का ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 10 वोल्ट से ज़्यादा की बैटरी अगर यूज़ करते हैं, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं, तो लगभग हमें 16 वोल्ट या 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लूँगा यहाँ पर 1 बैटरी को, इसलिए वैसे मैंने 1 बैटरी ऑप्शनल ली है, लेकिन यहाँ पर मैं 1 ही बैटरी का यूज़ करूँगा और साथ में यहाँ पर 10 वोल्ट कैपेसिटर का यूज़ करूँगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटर आपको बैटरी की जो करंट है उससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही लेना होगा, वरना कैपेसिटर फट सकता है या कोई और दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान देनी है। चलिए उसका आपको सर्किट डायग्राम में प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो सारा सामान मैं रख लेता हूँ साइड पर और एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पर मेरा एक होममेड पीसीबी स्टैंड है और सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 7805 को यहाँ पर 7805 की जो 3 लेग है इसका जो वर्किंग डायग्राम है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता चलिए बता देता हूँ। ये यहाँ पर से इनपुट होता है और यहाँ से आउटपुट है, बीच वाला ग्राउंड का है। तो यहाँ से आप लगभग कितना भी इनपुट दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इसमें 35 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट नहीं देना चाहिए, वरना हीट वगैरह हो के फटने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर लगभग आप 12-13-14-15 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा 5 वोल्ट का हमारा निकलेगा। अगर आप इस आईसी से जो 5 वोल्ट आउटपुट निकलता है आपको पता ही है, लेकिन आप 6 वोल्ट आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो उसकी जो एक वीडियो मैंने अपलोड की है उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आजकल आई बटन आपका नीचे शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर इनपुट की जो वायर है उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर ख़राब बैटरी है तो उसमें से आप इस तरीके से ये वाला जो है हिस्सा, ये जो कनेक्टर है ये निकाल लीजिए। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये जैसे ख़राब बैटरी है तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम खोलेंगे तो इसके जो हमें कनेक्टर्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए जो ख़राब है उसी को आप निकालिएगा। ये बैटरी ख़राब होने के बाद भी इसमें करंट आपका जीभ लगाने पर देता है, लेकिन यहाँ पर एम्पियर ख़त्म हो जाते हैं। मल्टीमीटर में शो ज़रूर करता है लेकिन कुछ भी इसमें करंट नहीं होता। तो इस तरीके से इसको मैंने निकाल लेना है और फिर इसमें कनेक्टर का जो काम होगा, चलिए ये तो निकल चुका है और इसको रखता हूँ मैं, इसको तोड़ के साइड रख लेता हूँ। और एक तोड़ के निकाल लेना है और एक साबुत निकाल लेना है। यहाँ पर ज़रूरत सिर्फ एक की है तो यहाँ पर एक को ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए ये काम तो हो गया हमारा, अब करते हैं इनपुट की बात। तो इनपुट को हम देखिए, यहाँ से एक नॉर्मली 2 वायर्स आपने ले लेनी है इस तरीके से, यह हर किसी के पास पड़ी होगी। तो एक चीज़ बता दूँ, जो इस कनेक्टर में हम इसमें कनेक्ट करेंगे प्लस और माइनस, जो यहाँ पर है देखिए बिल्कुल इसका उल्टा होगा। यहाँ पर प्लस वाला कौन सा है, ये छोटा वाला, और यहाँ पर प्लस वाला कौन सा होगा, बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पर हमारा अपोजिट साइड पे ये लगेगा इस तरीके से, तो प्लस वाला ये वाला होगा। तो यहाँ पर रेड वायर को मैं जोड़ूंगा और इसमें ब्लैक वायर को इस तरीके से, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट वगैरह अप्लाई कर लेता हूँ और इसको सोल्ड करके आपको दिखाता हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर स्टील में जल्दी से यह सोल्ड नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा घिस लीजिए, इस तरीके से आपने घिस लेना है। घिस लेंगे तो इसमें जल्दी जल्दी फिर सोल्डरिंग होना शुरू हो जाएगी, वरना स्टील में सोल्डरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरीके से आपने घिस लेना है, इसके बाद पेस्ट वगैरह लगा के आपने सोल्डरिंग कर लेनी होगी। तो इस तरीके से मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है, देखिए
ये देखिए, अब यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस जो है, यहाँ पर प्लस जो है इनपुट यहाँ पर जो होना है, आपको दिखा दूँ, प्लस जो इनपुट होगा यहाँ पर होगा। तो इनपुट आपको बताया था, इनपुट आप कितना भी दे सकते हैं 35 वोल्ट तक, तो आप कितना भी इसमें इनपुट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही कहूँगा कि 35 वोल्ट से ज़्यादा आप इनपुट इसमें मत दीजिएगा। तो यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में मैंने कनेक्ट कर दिया है, इस आपको बताया था इनपुट ये है। और एक जो कैपेसिटर है इसका, जो देखिए आपको थोड़ा जूम फोकस करके भी दिखा दूँ, ये जो कैपेसिटर है आपको बताया था 10 वोल्ट की, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो माइनस वाला है बीच में और प्लस वाला यहाँ पर, हमने इस तरीके से सोल्डरिंग इसको कर लेना होगा। चलिए आपको क्लियरली यहाँ पर दिखा देता हूँ, जूम फोकस कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सोल्डरिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पर इसको सोल्डरिंग करने के बाद अच्छी तरीके से आपने इसको चेक भी करना होगा कि यहाँ पर कोई गलत वायर तो नहीं जुड़ी, ये सब आपने चेक करना होगा। तो चलिए इसको यहाँ पर इस तरीके से सोल्डरिंग कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, माइनस को माइनस पे, प्लस को प्लस पे इस तरफ, और फिर इसी तरीके से आउटपुट पे, आउटपुट पे माइनस को तो आप यहीं पर जोड़ लीजिए, देखिए आउटपुट पे भी ऐसे करना, माइनस को ऐसे जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर इस तरीके से माइनस को हमने जोड़ लिया और प्लस को आउटपुट पे यहाँ पर जोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से, अब प्लस में आउटपुट को इस तरीके से जोड़ लेना है। देखिए आपको फिर से मैं समझा दूँ ताकि सभी के समझ में आ जाए, ये आपको ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं फोकस करके आपको दिखाऊँ। तो देखिए ट्रांजिस्टर के जो इनपुट है, इनपुट में मैंने यहाँ पर जो बैटरी से हमारा ये आया वायर रेड वाला, और रेड वाले को ट्रांजिस्टर के इनपुट में दे दिया, यहाँ पर इनपुट जो है यहाँ पर इनपुट में दे दिया है, और एक कैपेसिटर जो लिया है उसका प्लस वाला यहाँ पर इसके इनपुट में दे दिया है, और जो माइनस वाला है इसके बीच में ग्राउंड में दे दिया है। उसी तरीके से आउटपुट में मैंने प्लस वाला और बीच में इसका ग्राउंड दे दिया है, मतलब आउटपुट में भी कैपेसिटर और इनपुट में भी कैपेसिटर मैंने यहाँ पर लगा लिया है, और बीच के सारे कैपेसिटर के ग्राउंड और ये काली वायर का ग्राउंड भी सारा एक कर लिया है। अब करना क्या है यहाँ पर, बस एक छोटा सा काम है, इसका ग्राउंड और सारे ग्राउंड मतलब एक होंगे, और इसका जो आउटपुट होगा ये वाला हम लास्ट में कर लेंगे। और देखिए डाटा केबल का जो प्लस वाला है यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर लेना है, बस इतना छोटा सा आप काम कर लेंगे तो आपका पावर बैंक बनके तैयार हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए कितने कम खर्चे में आपका पावर बैंक बनके तैयार हो गया। और इसका जो ग्राउंड है यहाँ पर बीच में, मैं सभी का ग्राउंड एक साथ कनेक्ट कर लूँगा। तो ये देखिए आपका पावर बैंक बनके तैयार हो चुका है। तो ये है आपका पावर बैंक, आप इसको किसी भी एक छोटी डब्बी में, एक मात्र छोटी डिब्बी की जरूरत पड़ेगी, आप चाहें तो जो बैटरी का, जो ख़राब बैटरी का कवर इस तरीके से रहेगा जिससे हमने कनेक्टर वगैरह निकाला, इसमें आप पहले इसमें हल्का सा टेपिंग कर लीजिए और इस तरीके से दबा के आप इसके अंदर पैक कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको यहाँ पर पैक वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ हिंट दे दिया, क्रिएटिविटी बस अब आपके हाथों में है, आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है, तो इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टेस्ट करने से पहले एक बार इसकी करंट वगैरह चेक कर लेता हूँ, ये इनपुट कितना ले रहा है और आउटपुट कितना हमें दे रहा है। बाकी इसमें क्रिएटिविटी अपने हाथ की है, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर को ले लिया है, और यहाँ पर 20 की रेंज पर मैंने सेट कर लिया है, और यहाँ पर इसको बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। बैटरी कनेक्ट हो चुकी है, और बैटरी को रखता हूँ साइड पे, और यहाँ से हमारा यहाँ से इनपुट कितना ले रहा है और आउटपुट कितना दे रहा है ये भी दिखा देता हूँ आपको। चलिए मल्टीमीटर पर भी ध्यान दीजिएगा आप, देखिए यहाँ पर, और इस तरीके से मल्टीमीटर मैंने लगा लिया है, इसका जो हमारा इनपुट कितना हो रहा है मल्टीमीटर पर भी चलिए ध्यान दीजिएगा। इनपुट हमारा हो रहा है, चलिए 8.6 वोल्ट इनपुट हो रहा है, ये देखिए थोड़ा फोकस भी कर दूँ ताकि सभी को दिखाई दे, 8.5 या 6 इसमें इनपुट हो रहा है, और आउटपुट कितना हो रहा है देखिए, आउटपुट हमारा हो रहा है मतलब 5 वोल्ट आप समझ के चलिए 498। तो जितना हमारा नॉर्मली एक चार्जर से आउटपुट होता है उतना ही इसमें आउटपुट होगा। बस आप ध्यान रखिएगा, अच्छी एम्पियर की बैटरी अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको इसमें बैकअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हिंट दिया है, लेकिन आप यहाँ पे इनपुट कितना भी कर सकते हैं, बस कैपेसिटर आपने उतनी ज़्यादा बैटरी से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू को लगाना होगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, लाइव यहाँ पर दिखाऊँगा, कोई इसमें फेक तरीका मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये देख लीजिए मोबाइल चार्ज करना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग 93%, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये बिल्कुल लाइव आपके सामने है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए एक मिनट, यहाँ पर 93% यहाँ पर चार्जिंग का सिंबल शो हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से मैं इसको प्लग आउट करता हूँ, प्लग इन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चार्जिंग का दिखा रहा है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।